बेटी और मेरी छोटी बहन सुरभि के लिए मैं अपने पति का रिश्ता लेकर आई हूं। किन्नर बहु सौम्या खुद पहुंची है अपने ही पति का रिश्ता लेकर अपने पिता के पास, अपनी बहन सुरभि का हाथ मांगने। हाथ में शगुन की थाली लेकर वो पहुंच गई है मायके में और अपने पिता से अपनी बहन का हाथ मांग रही है। आपकी बेटी और मेरी छोटी बहन सुरभि के लिए। सौम्या के पापा ने तो उसे धक्का मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, मगर सुरभि ने रोक लिया, क्योंकि वो तैयार है अपनी बहन की सौतन बनने के लिए, वो तैयार है बलिदान देने के लिए। सुरभि ने अपनी शादी तोड़ दी सौम्या को छत के लिए, सौम्या की छत के लिए। प्रीतो ने जो उसे शर्त रखी थी कि सुरभि को बोले कि वो शादी के लिए मान जाए तो ही वो वहाँ रह सकती है और वो रह सके हरमन के आसपास और उसे एक छत मिल सके, इसीलिए सुरभि ने हरमन से शादी करने के लिए हाँ की है। मगर दूसरी ओर हरमन चिल्लम चिल्ली कर रहा है, अपने पिता और अपनी माँ का नाम लेकर वो उन्हें पुकार रहा है, शायद वो गुस्से में है। पीतो, भरत सिंह, पीतो, कोई मुझे बताएगा इस घर में चल क्या रहा है? किन्नर बहु सौम्या के ससुराल में मचा है बवाल, क्योंकि हरमन आज पूरी शक्ति के साथ चिल्ला रहा है, अपने माँ बाप को उनके नाम से पुकार रहा है। मुझे बताएगा इस घर में चल क्या रहा है? आवाज में रोष और चेहरे पर गुस्सा दिख रहा है। उसके पीछे सौम्या चौकी मेकअप के साथ शॉल ओढ़कर डरी हुई दिख रही है। हरमन चिल्ला रहा है सुरभि के लिए, क्योंकि उसे पता चल गया है कि प्रीतो ने ही प्लानिंग की थी सुरभि को उसकी दुल्हन बनाने की, मगर प्रीतो ने तो सारा इल्जाम सौम्या पर ही डाल दिया और ये कह दिया कि सौम्या ने ही अपनी बहन की शादी करवाई। सुरभि को तेरी शादी? सौम्या क्यों मैंने बस मगर हरमन अपनी माँ को जानता है और माँ भी हरमन की हर हरकतों को पहचानती है। जैसे कि काम्या अपनी बेटी आरा के लिए कुछ भी कर सकती है, वैसे प्रीतो अपने बेटे हरमन के लिए कुछ भी कर सकती है और कुछ भी करने को तैयार है और कर भी रही है। और इस बीच में कोई भी बाधाएं आई या कोई भी इंसान आया तो वो उसे निकाल के फेंक देगी और ये खुले आम बोलती है अपने घर में कि अगर कोई बीच में आया तो टांग तोड़ दूंगी। माँ पर अपने बेटे के गुस्से का क्या असर हुआ ये तो पता नहीं, मगर हाँ हरमन के पापा ने जरूर सौम्या को एक बार फिर स्वीकार कर लिया है और घर वापसी पर उसे तोहफा भी दिया है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या हरमन ने सुरभि से शादी करने से मना कर दिया? क्या उसने सुरभि के बदले फिर से सौम्या से ही शादी कर ली? क्या दुल्हनों की अदला बदली हो गई? मैं तो चाहती हूँ कि वो शादी करे, पर ये तो वक्त ही बताएगा और ये तो हरमन का मूड ही बताएगा, क्योंकि प्रीतो को अगर कोई मात दे सकता है तो वो सिर्फ हरमन है। घर जाओ, टीवी पे पावर का बटन दबाओ, सेट टॉप बॉक्स पे पावर का बटन दबाओ, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे कलर्स देखो, आपको सब चौंकाने वाला मिलेगा। भले ही हरमन और प्रीतो ना बता पाए, मगर नए साल में जरूर कुछ नया होने वाला है। घर के बाहर तो बहुत शांति है, लेकिन घर के अंदर बहुत बड़ा बवाल आने वाला है। और हाँ, हरमन सौम्या का किचन रोमांस भी एक बार फिर दिखने वाला है। मुंबई से नेहा सावंत और सुशीला उपाध्याय के साथ ABP News Report।